वर्ल्ड वॉर से जुड़ी 9 बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 में। 8वें दिन भी अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग जारी है। अब तक दोनों देशों के सैनिकों समेत 13,000 लोगों की मौत हुई है। अजरबैजान के राष्ट्रपति का दावा, आर्मेनिया के मदागिज पर फहराया झंडा, काराबाख के एक हिस्से पर किया कब्जा। जंग में अभी तक 7,200 सैनिकों की जान गई है। दोनों ओर से रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अजरबैजान ने हवाई हमले से उड़ाया आर्मेनिया का पूरा बेस कैंप, सैकड़ों सैनिकों की मौत हुई है। आर्मेनिया का भी बड़ा दावा, अजरबैजान के 3,000 से ज्यादा सैनिक ढेर किए होविजर तोप से, हमले का वीडियो जारी किया। आर्मेनिया को रूस ने दिए हथियार, ईरान के रास्ते भेजी पहली खेप, रूस की मदद से आर्मेनिया आक्रामक है। अजरबैजान की भारी राइफल्स पर आर्मेनियाई सैनिकों का कब्जा, भारी तबाही के लिए किया जा रहा इस्तेमाल। अपने सैनिकों को जंजीरों से बांध रहा आर्मेनिया, कई सैनिक डर के मारे छोड़ रहे मैदान। और जंग में टर्की के शामिल होने का मिला सबूत, आर्मेनिया में मिले टर्की के बम गोले। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,